बाद दुनिया टॉप 10 खबरों ने। अमेरिकाना पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प सामे ऐतिहासिक बीजा महाभियोगनुं ट्रायल आजथी शरू थशे। गृहमां महाभियोग प्रक्रियाना मैनेजरोए ट्रम्पने सुनावणीमां साक्षी पुरवा बोलाव्या छे, जो कि ट्रम्पना वकील डेविड आइसकॉने कह्युं छे कि ट्रम्प साक्षी पुरवा नहीं आवे। अमेरिका म्यांमारना लोकोनो आप्यो साथ, कह्युं कि लोकोए पसंद करेला प्रतिनिधि देशने चलावे ते वास्तु अमेरिका समर्थन करे छे, लोकोनी भावनानुं सम्मान करे छे अमेरिका। लंडन की हाईकोर्टे भागीणु विजय माल्या ने आर्थिक मदद करशे, रहेवा खावा ने कोर्ट में केस लड़वा माटे हाईकोर्ट खर्चो आपशे। लंडन हाईकोर्टे 11 करोड़ रुपया आपवानो निर्णय कर्यो। इजरायल में पीएम नेतन्याहू पर लागेला भ्रष्टाचार आरोप मामले यरुशलम की कोर्ट में सुनावणी थई। सुनावणी में पीएम नेतन्याहू कोर्ट में हाजर रहा, पोताने निर्दोष गणाव्या। पीएम नेतन्याहू पर लागेला आरोप मामले लोकोए प्रदर्शन पण कर्या छे। म्यांमार में तख्तापलट बाद न्यूजीलैंड संबंधों पर मुख्य पूर्णविराम। न्यूजीलैंड म्यांमार साथ राजनीतिक संबंधों खत्म करने की जाहरात की है, साथ ही सैन्य संबंध पर न्यूजीलैंड ने खत्म कराया। म्यांमार में सेना सामे भारे विरोध कराई रहा है, रस्ता पर भारे भीड़ ने पगले रस्ता ब्लॉक कर दिया है। देशभर में भारे विरोध वच्चे सैन्य साथ अन्य देशों पर संबंधों तोड़ता मुश्किल बढ़ी है। ब्रिटेन महाराणी एलिजाबेथ पर लागू आरोप, पोताना अंगत फायदा माटे संपत्ति छुपावाना कायदा में फेरफार करवा दबाण कर्यु। पारदर्शिता कायदा थी बंकिंगम पैलेस दूर राखवानी पण अपील करी हती। अमेरिकाए जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ गुआ में युद्धाभ्यास की शुरुआत करी है। वायुसेना ने पण युद्धाभ्यास में सामिल करवामां आव्युं छे। चीन और अमेरिका वच्चे तनाव दरमियान आ युद्धाभ्यास महत्वपूर्ण मनाई रह्यो छे। परमाणु हथियारों आधुनिकीकरण में लाग्यू है उत्तर कोरिया। बैलिस्टिक मिसाइल आधुनिकीकरण में लाग्यू उत्तर कोरिया, संयुक्त राष्ट्र एक्सपर्टे करे खुलासो।